हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग हीट मतलब उष्मा पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, और कुछ कॉन्सेप्ट रह गया था उसको भी करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहां पे सीखने को मिलेगा, आपका हीट पूरा क्लियर हो जाएगा। हीट से आप इतना अच्छे से अपने स्कूल में नहीं पढ़ेंगे जो यहां पे सारा चीज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बताया गया है और जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछता है। उससे पहले आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। हाँ, बहुत बड़ा खुशखबरी है। वो कौन सा खुशखबरी? ये वो है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मेरे नंबर मांग रहे थे, मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग रहे थे, मेरा उनसे बात नहीं हो रहा था। मैं भी आप लोग से बात करना चाहता था कि हम लोग कैसे कनेक्ट होंगे। तो इन सब चीजों के बीच में मैं आपके लिए एक उपाय निकाल के लाया हूँ। हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। जब आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो हम लोग का बात हो पाएगा, मैं आपके बातों को समझ पाऊंगा, मैं आपके प्रॉब्लम्स को समझ पाऊंगा। हम लोग वहां पे कुछ शेयर भी करेंगे, जो पढ़ेंगे उस चीज को भी शेयर करेंगे कि क्या आज पढ़ना है। वीडियो डालने से पहले सबको आपको पता हो जाएगा कि आपको वीडियो कब मिलने वाला है। आप मेरा वीडियो का वेट करते रहते हैं कि सर का वीडियो कब आएगा। तो अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो 6 बजे डलेगा, 7 बजे डलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं जो टेलीग्राम। कैसे आप उस चीज को इंस्टॉल करेंगे? आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाएंगे और टेलीग्राम लिखेंगे, TELIGRAM, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद, टेलीग्राम जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपका नंबर डाल के OTP से आपको वेरीफाई कर लेना है। इतना करने के बाद ऊपर देखिएगा एक सर्च बटन होता है, टेलीग्राम में एक सर्च बटन होता है, यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है CRACK, क्रैक पॉलिटेक्निक। क्रैक पॉलिटेक्निक जैसे ही सर्च करेंगे मेरा फोटो वहां पे होगा, आप उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। तो आप टेलीग्राम में जो भी चीज मैं शेयर करूंगा, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड PDF या कोई भी चीज मैं शेयर करूंगा, तो आप उस चीज को देख पाएंगे और आप अपना भी प्रॉब्लम उसमें लिख पाएंगे कि सर ये चीज कर दीजिए, ये वीडियो बना दीजिए, ये कर दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, ये समझा दीजिए। तो मैं वहां पे इंस्टेंटली आपका मैसेज पढ़ के वहां पे रिप्लाई भी कर दूंगा, आप अपना प्रॉब्लम भी उसमें भेज सकते हैं। तो जल्दी से सारे दोस्तों को अपने टेलीग्राम ऐप के बारे में बताएं कि सर टेलीग्राम पे आ गए हैं, फ्री में वो ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अब देर ना करते हुए, अगर इससे टेलीग्राम में ज्वाइन होने में किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं वहां पे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फटाफट से सारे दोस्तों को शेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पे अब हीट हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला 273 केल्विन किसके बराबर है। मैं आपको बताया था कि आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, इन सब चीजों से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। तो चलिए चेंज करते हैं 273 केल्विन को फॉरेनहाइट में। मैं बताया क्या, देखिए किसके बराबर है, तो किसके फॉरेनहाइट ऑप्शन मैं बताया था कि आपको सब ऑप्शन पे ध्यान देना होता है। तो देखिए फॉरेनहाइट और केल्विन है, तो फॉरेनहाइट का संख्या ज्यादा है तो हम लोग पहले फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, अगर वहां से आंसर मिल जाता है तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या जाना है आपको, केल्विन से फॉरेनहाइट में जाना है। तो मैं आपको एक बताया था रूल कि केल्विन से आपको फॉरेनहाइट में जाना है, यहाँ पे केल्विन लिख लेंगे, यहाँ पे फॉरेनहाइट लिख लेंगे। केल्विन का जो लोअर टेम्परेचर होता है, जो हिमांक बिंदु होता है, वो कितना होता है, 273। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 273, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373, और इसका कितना होता है 32, और इसका 212। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छा से समझाया गया है। तो मैं आपको बताया था कि पहले केल्विन से फॉरेनहाइट में जाना है, तो पहले के आप लिख दें, फिर इधर एफ लिख दें। के का जो लोअर टेम्परेचर है 273 डिवाइडेड बाई हायर माइनस लोअर, 373 माइनस 273 इक्वल्स टू एफ माइनस इसका लोअर 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। ऐसे करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, ये इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद 100 आ जाएगा, और इसका 180, 0 से 0, 5 टू जा 10 और 5 टू नाइन जा 18, 5 और ये हो गया। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, 233 को जब यहाँ पे रखेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 233 माइनस 273 मतलब -40 आ जाएगा, एफ -32/9। इसको जब काटेंगे तो 8 टाइम्स से कट गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 -72 हो रहेगा इक्वल्स टू एफ -32। जब ये इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -72 + 32
इसको जब आप करेंगे तो ये इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसको इसका साइन क्या होगा, पहले तो साइन माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस होगा, और इसको जब करेंगे तो आपका 40 आएगा। आई होप कि इन सब माइनस प्लस में किसी चीज किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या इतना हो जाएगा, -40 डिग्री फॉरेनहाइट, और ये आपके ऑप्शन में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े के समय में किसी स्थान पर -50 डिग्री सेल्सियस है तो यह ताप फॉरेनहाइट मापक्रम में कितना होगा। कह रहा है कि विंटर में कहीं पे टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है तो उस टेम्परेचर को फॉरेनहाइट स्केल पे आप कितना मेजर करोगे। क्लियर है? इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में क्वेश्चंस लिख लेंगे अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, सी दिया हुआ है, फॉरेनहाइट मतलब सेल्सियस दिया हुआ है, और फॉरेनहाइट में आपको जाना है। तो मैं आपको क्या बताता है, यहाँ पे सी लिखोगे, यहाँ पे एफ लिखोगे, बीच में इक्वल दोगे। अब सी का मिनिमम कितना होता है, 0, मैक्सिमम कितना होता है 100, मिनिमम कितना होता है 0, एफ का मिनिमम कितना होता है 32, ऊपर मिनिमम, मैक्सिमम कितना होता है 212, मिनिमम कितना होता है 32। जब इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए सी बाई सी का वैल्यू दिया हुआ था, जो दिया हुआ उसको लिख देंगे, ये 50 दिया हुआ था, 50 माइनस 0 तो 50 ही रह जाएगा, यहाँ पे माइनस फिफ्टी दिया था तो -50 माइनस 0 तो -50 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, एफ माइनस 32, इसको जब आप काटेंगे तो ये 52 जा 100, 2 से कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 ये ऊपर आ जाएगा तो 180/2 तो -90 और फिर इधर आएगा तो -58 फॉरेनहाइट हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, अगर समझ पाए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर समझ गए हैं, और ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है तब आप अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लोहे के छड़ का तापमान कितना बढ़ाया जाए कि उसकी लंबाई 0.5 से बढ़ जाए। कह रहा है कि एक आयरन रॉड है, उसका टेम्परेचर कितना से बढ़ाया जाए कि उसका लेंथ जो है वो 0.5 से बढ़ जाए। आप देखते हैं कोई, मतलब जो आप देखते होंगे कि किसी चीज का, जैसे कि इसका कुछ चाकू बनाना है, तो जब आप देखेंगे उस दुकान पे जाते होंगे जिस दुकान पे चाकू बनाते हैं, यहाँ पे भट्टी में आग गर्म करता है फिर इसको पीट के उसको चाकू बनाता है क्योंकि उसको लंबा करता है, तो इस तरह से। तो वही पूछ रहा है कि इसको कितना हीट करे कि वो उसका टेम्परेचर उसका जो लेंथ है 0.5% से बढ़ जाए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको थियरी नहीं बताया हूँ, तो वही मैं बताया कि कुछ चीजें छूटी हुई है जिसको हम लोग इस क्लास में करेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए ये कोई मान लीजिए एल लेंथ का रॉड है, ठीक है, एल लेंथ का रॉड है। अब ये रॉड है तो इसका एक अल्फा दिया रहता है पहले से। अल्फा क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक, बताए थे ना, रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर आप हीट करोगे तो इसका इतना लेंथ बढ़ जाएगा, मान लो ये जो लेंथ बढ़ गया, मान लीजिए कि डेल्टा एल बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया, डेल्टा मतलब चेंज, एल मतलब लेंथ, डेल्टा एल से इसका लेंथ चेंज हो गया, तो इसमें कितना टेम्परेचर दिए होंगे, मान लीजिए डेल्टा टी, मतलब टी डेल्टा टी टेम्परेचर दिए होंगे, तो डेल्टा एल इक्वल टू, मतलब बढ़ा हुआ लेंथ कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू पहले का लेंथ इंटू डेल्टा टी, कितना आप टेम्परेचर दिए हो, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब ये अल्फा डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, पहले कितना टेम्परेचर था और अब कितना टेम्परेचर पे आप कर दिए, तो वो कितना से टेम्परेचर बढ़ा दिए, ये है लेंथ एल क्या है, पहले वाला लेंथ है, और अल्फा क्या है, हर क्वेश्चन में इसका रखिए कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो इससे आपका कितना लेंथ में चेंजिंग हुआ इससे आप निकाल सकते हैं लंबाई उसका कितना चेंज हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया है, आपसे ये पूछ रहा है, ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, आपसे ये पूछ रहा है, तो निकल जाएगा कितना। मान लो कि इस रॉड का लंबाई पहले एल था, मान लो इस रॉड का लंबाई पहले एल था, अब बढ़ के कितना हो गया 0.5% एल, पहले से 0.5% बढ़ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डेल्टा एल की जगह पे कितना लिख देंगे, 0.5% एल, और ये जो अल्फा का वैल्यू दिया गया 10×10⁻⁶, लेंथ पहले वाला लेंथ एल ही है और टेम्परेचर डेल्टा टी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 5% का मतलब 0.5/100, और ये कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 10^1 और 10^, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 10^-5 हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। जब इसको इस साइड लाएंगे तो 0.5×100 तो पहले से था, × 10^-5, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले से 2 0 प्लस में और 5 0 माइनस में, तो क्या हो जाएगा 3 0 माइनस में, और ये जब पॉइंट हटेगा तो इसके बदले में 10 आएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा 10^-2, 5 / 10^2, तो 5×10^2 मतलब 500
सेल्सियस। आई होप इन सब कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप क्लास 10 कर चुके हैं, कैलकुलेशन आपको आता होगा। नेक्स्ट, तो आप इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर देंगे। कभी फॉर्मूला क्या रखेंगे, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। कब ये फॉर्मूला यूज होगा, जब किसी रॉड के लेंथ के बारे में पूछेगा कि कितना लेंथ बढ़ गया या कितना से टेम्परेचर बढ़ाए कितना लेंथ बढ़ गया, तो ये फॉर्मूला का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लोहे के आधे किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा 100 डिग्री ताप पर है, उसे 1 किलोग्राम पानी में डाला जाता है जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, मिश्रण का ताप क्या होगा। कुछ नहीं कह रहा है, कि कह रहा है कि एक आयरन रॉड है, एक 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 लोहा है जो 1/2 kg का है, वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा गया है। उसको एक वाटर से भरा हुआ कंटेनर जिसमें 1 लीटर वाटर है, जिसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, उसको उसमें डाल दिया गया। तो पूछ रहा है कि अब मिश्रण जो बन गया, उसका जो मिक्सर जो बन गया, उसका टेम्परेचर क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, मैं आपको, ये आयरन है, ये वाटर है, इसमें ये 100 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है। जब इसको इसमें आप डालेंगे तो ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, हीट इधर से इधर फ्लो होगा और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब दोनों का हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो उसी टेम्परेचर को पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे दोनों में हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्लियर है, या कितना हीट का फ्लो होगा, कितना डिग्री टेम्परेचर मिक्सर का होगा। चलिए पहले इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम समझते हैं। देखिए, ये अगर मान लो m मास का कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया गया है, इसका जो कुछ टेम्परेचर होगा, इनिशियल टेम्परेचर मान लो T1 दिया गया है, जब इसको आप हीट करोगे, जब गर्म करने का कंडीशन, वस्तु को दो तरह से या तो गर्म करते हैं या तो ठंडा करते हैं, तो पहले गर्म करने वाला समझ रहे हैं। तो मान लो इसको m मास का वस्तु है, इसको जब रखा गया तो T1 टेम्परेचर पे, मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर पे रखा गया, फिर इसको हीट करोगे तो 20 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो T2 क्या होगा, हमेशा हीट करने के बाद T2 हमेशा क्या होगा, T1 से बड़ा होगा, क्योंकि बाद वाला टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि आप उसको हीट दे रहे हो। तो इसमें आप कितना उष्मा दिए, कितना हीट दिए, कितना आप एनर्जी अपना बर्बाद किए गैस का, तो कितना एनर्जी बर्बाद किए, mc T2 - T1। T2 क्या है, बाद का टेम्परेचर, T1 क्या है, पहले का टेम्परेचर, और सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी वस्तु के 1 ग्राम को 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ता है, उसी हीट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया, mc डेल्टा t। डेल्टा टी, इसको चेंज को डेल्टा लिखते हैं, T2 - T1 क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, पहले वाला टेम्परेचर माइनस बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला टेम्परेचर, तो क्या हो गया, T2 - T1, तो चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी हो गया। ठीक है, ये हीट कितना लगेगा, ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। सेम टाइम अगर m मास का वस्तु है, अगर उससे आप हीट निकाल रहे हो, पहले उसका टेम्परेचर T1 था, मान लो उसका टेम्परेचर 10 था, अब उससे हीट निकाल रहे हो तो उसका टेम्परेचर घटेगा, तो कम होगा। तो अब इसमें बाद वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले वाला ही टेम्परेचर, मतलब T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा। कब, जब हीट निकालोगे, जब हीट ऐड करोगे तो T2 ज्यादा होगा, T1 कम होगा। T2 क्या है, बाद का टेम्परेचर, T1 क्या है, पहले का टेम्परेचर। तो इस केस में जो m हीट कितना उसमें रिलीज होगा, कितना हीट निकलेगा, कितना उष्मा निकलेगा, ये इस फॉर्मूला से निकालेंगे, mc T1 - T2। क्लियर है। अब यहाँ पे h का वैल्यू कितना हो जाएगा, mc डेल्टा t। अब इसी चीज को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये आयरन है, इसका मास दे दिया 1 kg, इसका टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, इसका सी का वैल्यू दे दिया, ये पानी है 1 kg, इसका टेम्परेचर दे दिया, इसका भी सी का वैल्यू दे दिया। कह रहा है कि इसको जब इसमें ऐड कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर क्या, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा था, इसका टेम्परेचर घटेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। होगा ऐसा, एक समय आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यही पे ये दिखाया है कि एक मान लो टी टेम्परेचर ले लो, टी टेम्परेचर पे ये जाते जाते ये बराबर हो जाएगा और टी टेम्परेचर पे आते जाते ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लिए कि टी टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 100 से घटते घटते कितना जाएगा, टी पे जाएगा। ये क्या होगा, 30 से बढ़ते बढ़ते टी पे जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है, उच्च ताप पे है, ये निम्न ताप पे है। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, मिक्सर का टेम्परेचर मान लिया टी, तो यहाँ पे जो ये पहले वाला जो आयरन वाला रॉड ये है, जितना हीट को लॉस करेगा, जितना हीट बर्बाद करेगा, उतना ही ये उतना हीट गेन करेगा, क्योंकि इसी का हीट तो इसमें जाएगा। तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा कि एक वस्तु को उसमें डाल दिया टेम्परेचर इतना है तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन से इसको बनाएंगे।
तो हीट लॉस को क्या होता है एम सी डेल्टा टी, हीट गेन क्या होता है एम सी डेल्टा टी। अब क्या है एम है मास, देखिए ये इसका हीट लॉस हो रहा है, तो मान लीजिए इसका मास 1/2 के जी दिया था, लिख दिया 1/2। इसका सी का वैल्यू 437 दिया था, 437। और इसका टेम्परेचर पहले कितना था 100 था, अब ये टेम्परेचर क्या घटेगा घट के टी होगा। पहले इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 100 - t होगा कि t - 100 होगा, तो जो ज्यादा होगा वो पहले लिखाएगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा। तो देखिए जब इसका ये अपना हीट लॉस कर रहा है, हीट इसमें से निकल रहा है, तो पहले का टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा और घटने के बाद कम हो जाएगा। तो मान लो ये पहले का है, ये घटने के बाद कम होगा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला में घटा दिए। फिर इसका 1 दिया है, ये 42 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू टी। अब इसमें बड़ा वाला छोटा वाला कौन है, अब ये हीट गेन कर रहा है, तो पहले 30 पे था, अब हीट जब ये ले रहा है तो इसका बाद वाला जो टेम्परेचर आएगा वो बड़ा आएगा, तो जो टी पे टेम्परेचर पे जाएगा वो बड़ा होगा, तो ये टी माइनस 30 होगा। क्लियर है, आई होप कि समझ पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर समझ पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यहां तक आप पहुंचेंगे इस नतीजे पे कि 9/ इसको काटेंगे तो 9/175 = t - 30 / 100 - t। जब यहां से आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 33.42 डिग्री सेल्सियस, और आपका आंसर कितना हो जाएगा बी, उसमें 33.2 दिया हुआ है, तो उतना से नहीं अप्रॉक्स हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। आई होप कि इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आप खुद से इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में करेंगे समझ समझ के, आपको पक्का है कि होगा इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने का चांसेस रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट आप एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु के सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि रेडिएशन इमिटेड बाय एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू परम ताप के, किसके पूछ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो परम ताप के, परम ताप के स्क्वायर का, परम ताप के क्यूब का, परम ताप के पावर 4 का। परम ताप किसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यूब ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बाई मतलब पावर 4 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। पहले तो ये समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए आपका एक ये भी आपका छूट मतलब कि ये भी आपका वो थियरी का पार्ट है, इस सब जो मैं आज पढ़ाया हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक स्टीफन एग्जाम साइंटिस्ट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन उनका नाम था, उन्होंने एक रूल दिया कि किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण का दर उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ समानुपाती होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोले कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जो विकिरण होगा रेडिएशन निकलेगा, वो रेडिएशन का एनर्जी होगा वो टेम्परेचर के पावर के 4 होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के पावर चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ पावर होगा, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ देयर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है। मान लो ये कोई वस्तु है, अगर वो अपना एनर्जी जो रिलीज कर रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, मान लो इसका एनर्जी कितना है, मान लो इसका टेम्परेचर 10 है तो एनर्जी इसके 10^4 रिलीज करेगा, मतलब कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा, समझ में आ गया। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टीफन बोल्ट्जमैन के हिसाब से क्या होगा, टी के पावर 4, आंसर कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे इसमें कभी क्वेश्चन ये भी बता देगा कि उसका टेम्परेचर इतना है तो एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो आपका 10^4 करके आप निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप होता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य ताप किसको बोलते, कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, 0 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है, और 273 केल्विन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो चलिए परम शून्य ताप पे पहले समझते हैं, ये भी हम लोग नया है हम लोग के लिए। आज हम लोग बहुत कुछ अच्छा अच्छा थ्योरम पढ़े हैं, कल के वीडियो में भी बहुत कुछ पढ़े हैं, आज अपना हिट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। परम शून्य ताप पे किसको, -273.15, ये वैल्यू पूरा पॉइंट के साथ रट लेंगे, -273.15 ताप के टेम्परेचर को परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो -273.15। अब यहाँ पे -273.15 तो इस आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो देखिए जब ये सेल्सियस में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे सेल्सियस में होता है, तो सेल्सियस में तो ये एक जीरो है और ये 273 है, तो जब भी ये जब 273 और 273
माइनस 273 होता है ना, माइनस 273 होता है, 0.15 होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब ये होगा नहीं जीरो। अब तो समझते हैं कि क्या इसको केल्विन में या फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जब आपको बताया गया कि जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है, C प्लस 273 कल का फॉर्मूला बताए थे, तो आप वहां से अगर फॉर्मूला ये देखे होंगे तो ये कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस 273 दिया गया है और इसका 273 कट के क्या हो जाएगा, जीरो केल्विन। तो परम शून्य ताप कितना होता है, या तो जीरो केल्विन होता है या माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो केल्विन और माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय प्रसार गुणांक का क्या है, पूछता है कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब आप ध्यान में रखेंगे कि कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहां आया था। देखिए आप अभी जस्ट हम एक फॉर्मूला बताया था कि चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू अल्फा एल इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये लिखवाए थे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अल्फा अल्फा का यहाँ पे अल्फा आपको मिल रहा है, एक मिनट, यहाँ पे अल्फा आपको मिल रहा है। तो अल्फा, इसको अल्फा बताया था कि किसी भी चीज का अगर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो आपको इक्वल्स टू के इस साइड लेके चलाइए। तो अल्फा आपको कैलकुलेट करना है तो अल्फा को इक्वल टू के साइड लेके चलाएंगे, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन अल्फा डेल्टा टी। अब एल क्या है, ये लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका ये भी लेंथ है, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं, 1 किसी को लिख सकते हैं ना, 1 अगर कुछ लिखा रहता है तो उसको माइनस पावर कर सकते हैं। तो अल्फा का वो क्या हो जाएगा, सी मतलब कि डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आप इस चीज को रट लेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। देखिए ये पूछा है कि 40 डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें, कुछ नहीं जल्दी से करते हैं, फॉरेन एफ इक्वल्स टू सी, फॉरेन से सेल्सियस में जाना है, ठीक है। ये तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 180, यहाँ पे 100, ये कैंसिल 0 से 0, ये 5, ये 9, ठीक है, ये माइनस 40 दिया था, माइनस 40 रख दिया तो 72 हो गया, ये कट के माइनस एक क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 40 आ गया। अब देखिए क्या देखिए, क्या देखिए आप कि फॉरेनहाइट में भी माइनस 40 ही था, सेल्सियस में भी माइनस 40 ही आया। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो टेम्परेचर का कौन सा वैल्यू है जिस पे डिग्री सेल्सियस स्केल और फॉरेनहाइट स्केल बराबर होता है, तो माइनस 40 डिग्री। माइनस 40 डिग्री पे सेल्सियस भी वही होता है और फॉरेनहाइट भी वही होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और आपका आंसर सी हो जाएगा। किसी पदार्थ का 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके 1 kg मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट यूज होता है उस हीट को क्या बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि मान लो ये kg का कोई सामान है, अगर इसके इसका टेम्परेचर 1 kg का कोई सामान है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ हीट देना पड़ेगा। तो जो हीट देना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका विशिष्ट ऊष्मा, इंग्लिश में बोले तो स्पेसिफिक हीट। किसी वस्तु के 1 kg के मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि 1 kg के ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। एक टर्म आता है आपके, देखिए इसमें गुप्त ऊष्मा, मतलब जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं हिंदी में, गुप्त ऊष्मा क्या होता है। देखिए कभी कभी आप क्या देखते हैं कि मान लो ये क्या होता है, ये कोई चीज है, ठीक है, ये मान लो सॉलिड है, इसको आप हीट दोगे, हीट देते देते, मान लो आइस है, ठीक है, हीट दोगे, हीट देते 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 एक समय आएगा कि ये पिघलना शुरू होगा, पिघलते पिघलते एक समय आएगा कि पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे आप, पूरा का पूरा बर्फ पिघल के और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जाने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे जो हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। जब देखते हैं आप सुने हुए कि जो होता है आइस 0 डिग्री पे सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है,
क्यों? क्योंकि उस फिक्स टेम्परेचर पे आप जितना उसको हीट देते हैं वो टोटल का टोटल हीट दिखता नहीं है, गुप छुप जाता है किस चीज में, उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब कि एक फेज से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो हीट देना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। क्लियर है? मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जाने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो हीट देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। उस एक हिंदी में पढ़ देते हैं, किसी नियत ताप पे, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब गुप्त ऊष्मा होता है तो उस समय टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है, किसी नियत ताप पर किसी वस्तु की अवस्था से, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जाने के लिए जितना ऊष्मा जरूरत होता है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ये लेटेंट हीट दो तरह का होता है, क्यों? क्योंकि दो बार फेज चेंज होता है, एक बार सॉलिड से लिक्विड जाता है, जब सॉलिड से लिक्विड जिस समय जाएगा उस समय के लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। जब लिक्विड से गैस में जाता है, मतलब ठोस से गैस में, द्रव से गैस में जाता है, तो उस समय को लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। यहां तक अपना ये फिजिक्स का ये हीट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या शुरू करें? और आप फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाएं, वहां पे आप अपना सब कुछ सुझाव दे सकते हैं। फिर से मैं याद दिला दूं कौन सा है वो, क्रैक पॉलिटेक्निक, CRACK, मेरा फोटो दिखेगा उस पे, क्रैक पॉलिटेक्निक आप टाइप करेंगे टेलीग्राम में, आपके आपका उसमें जाके प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके आप उसको वेरीफाई करके इस चीज को ज्वाइन करके, और सब लोग मैसेज के साथ अपना नाम मैसेज कर देंगे, ठीक है। जो भी नया स्टूडेंट ऐड होगा अपना नाम एक बार वहाँ पे मैसेज कर देगा, और वो कहाँ से है वो भी मैसेज कर देगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि उसमें कोई भी स्टूडेंट कुछ आलतू फालतू चीजें नहीं भेजेगा, पढ़ाई से रिलेटेड ही भेजिएगा कुछ भी, जो भी भेजना होगा पूछना होगा आपको। अगर कुछ पूछना है कि सर ये बात कैसे होगा, क्या फॉर्म है, क्या कुछ भी, आप वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि वो एक स्टडी ग्रुप है, उसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं भेजेंगे जिससे दूसरे को आपत्ति हो, अदरवाइज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, सभी अच्छे स्टूडेंट है मेरे, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, और आप देखते रहिए एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। चलिए, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।